wizard, Harry. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजेमिटी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे फैंटास्टिक बीस्ट 2 के बारे में, उसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने रिव्यू देना चाहूंगा। कल ये मैंने मूवी देखी थी, 12 से 3 वाला शो। ये मूवी देखते ही मेरे मुंह से बस एक ही वर्ड निकला, वाओ क्या मूवी है। जेके रोलिंग जो उसके राइटर है, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मजा ही आ गया। कभी कोई सीन बोरियत का लगा ही नहीं मुझे। और जो डबिंग है वो तो क्लासिक, कोई फालतू की एक्स्ट्रा डबिंग नहीं, कोई फनी जोक नहीं। मूवी बिल्कुल एकदम सीरियस थी और एंड में सस्पेंस था। और फाइनली लग रहा है कि यहाँ तीसरा पार्ट और भी धमाकेदार होने वाला है। अब बात करते हैं इसकी एंडिंग के बारे में। तो एंडिंग में हमने देखा ग्रिंडलवॉल्ड ने एक नाम लिया जो कि क्रेडियंस की आइडेंटिटी को रिवील्ड करता है, जो कि हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन कर देता है कि है क्या एक्चुअल में, कौन है ऑरेलियस डंबलडोर जो कि क्रेडियंस की आइडेंटिटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट, क्रेडियंस और ग्रिंडलवॉल्ड इस मूवी के दो महत्वपूर्ण अध्यक्ष कह सकते हो आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट थे इस मूवी में। अब ग्रिंडलवॉल्ड को तो पता ही है, सब जानते हैं, सबसे बड़ा विलेन है और विजर्ड वॉर भी है, आगे होने वाली है थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में। पर ग्रिंडलवॉल्ड ने जो ऑरेलियस डंबलडोर का जो नाम लिया वो कौन है, ये कन्फ्यूजन कर गया हमें एंडिंग में। तो आपको मैं रिवील करता हूँ कि ऑरेलियस डंबलडोर एक्चुअल में छोटा भाई है एल्वस डंबलडोर का। जी हाँ, एल्वस डंबलडोर बड़े भाई है और ऑरेलियस डंबलडोर छोटा भाई है, जिसको हम मूवी में जाते हैं क्रेडियंस के साथ। तो इसीलिए ये दोनों पोस्टर में एक साथ खड़े हुए हैं। ये है कनेक्शन इन दोनों के बीच में, ये छोटा भाई और बड़े भाई हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि इनकी आगे काफी सारी फैन थ्योरीज बनी है कि ग्रिंडलवॉल्ड ने अब इसके साथ क्या करेगा, ऑरेलियस डंबलडोर और डंबलडोर के बीच में इन दोनों की क्या कनेक्शन है, ये भाई कैसे हैं, क्योंकि उनके तो दो भाई थे, एक बहन थी जो कि मर चुकी थी और हमें इस पिक्चर में दिखाया भी गया। तो ये सारे जवाब से रिलेटिव काफी सारी फैन थ्योरीज आ रही हैं, तो मैं उनके ऊपर वीडियोस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सीधे डायरेक्ट फैंटास्टिक बीस्ट देखें जो कि 2020 में रिलीज होगी। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे, या तो उसमें नेगेटिव के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।